بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Tariq, recorded by Tariq Aziz. Today topic is who are shemales and why don't have any job for them. People tease them and involving bad activities. So what should we do for our new generation? शीमेल क्या है, यानी खुसरे कौन हैं, और ख्वाजा सिरा भी कहा जाता है इन्हें, और उनके लिए जॉब क्यों नहीं है, और लोग उन्हें तंग करते हैं, आखिरकार वो बुरे कामों में लग जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए अपनी न्यू जनरेशन के लिए? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर हु आर शीमेल्स. बेसिकली when we are learning English, we have to learn each and everything. We have to talk on every topic. Hame har topic par baat karni hai, even it is bad or good, because it is a part of learning English. Don't get hurt, okay? And ek cheez before starting this lesson, let me tell you, Allah has given you everything. Allah ne aapko har cheez, har kuch diya hai. But you never say thanks to Allah, you never say Alhamdulillah, aap kabhi bhi shukar ada nahi karte. And ask those people who don't have anything, even they don't have anything, they say Alhamdulillah, shukar Alhamdulillah. Un logo se puche jinke paas kuch nahi, lekin phir bhi wo log shukar ada karte hain. तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. हु आर शीमेल पहला सवाल था हमारा. दे नेदर मैन नोर वुमेन, इट इज़ कॉल्ड शीमेल. आई डोंट नो रियली व्हाट आर हु आर रियली शीमेल्स, बट मेरे जो कैलकुलेशन है, मेरा जो दिमाग कहता है वो यही कहता है. लेकिन मैंने जब ऑब्जर्वेशन की इस टॉपिक को सर्च किया तो नेट पर, तो उसमें ये डेफिनेशन आई, शी मेल्स आर गाइज विद फीमेल ब्रेस्ट एंड मेकअप. पहला जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ना वो मर्द होता है ना औरत होता है, उसे कहते हैं शी मेल्स यानी खुसरा. लेकिन जो हमारे इंटरनेट पे डेफिनेशंस है उसको कह इंटरनेट या सोर्सेस से जो डेफिनेशंस आती हैं वो ये हैं कि ऐसा बंदा जो ऐसा मैन, बंदे की बात हो रही है, ऐसा बंदा जो फीमेल के ब्राउज़र पहने या कपड़े पहने हुए मेकअप करता हो अपने चेहरे पर, उसे शीमेल कहा जाता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक. सो बट देर इज़ नथिंग यू शाय, बिकॉज when we are learning something we have to learn everything what are in language. So let us start. In my opinion, first I explain my opinion, then I explain my student opinion about this topic. Okay, we always tease them because we think we are better than, but the truth is Allah made them like this. हम उन्हें तंग करते हैं. हमसे मुराद मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है जो तंग करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो उनसे बेहतर है. लेकिन आपको पता है, जो ये सोचता है कि वो बेहतर है और उसे तंग करता है, तो वो जो सामने वाला बंदा होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है जिसे तंग किया जा रहा होता है. तो ये बात का ख्याल रखा करें, किसी को तंग करते हुए, चाहे वो यार ये क्यों भूल जाते हैं, वो बेशक बंदा नहीं है, मर्द नहीं है, औरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का बंदा तो है ना, इंसान तो है ना. लेकिन हम इंसान ही नहीं समझते ऐसे लोगों को. कोई एक बुरा काम कर रहा होता हम उसे इंसान समझना छोड़ देते हैं. ये नहीं सोचते कि हम अपने अखलाक से, अपनी ज़बान से उसको सही रास्ते पर लाए, नहीं, बल्कि हम उसके उससे नफ़रत करते हैं. वी हेट दैम एंड दे रियलाइज एवरी वन हेट अस, वी शुड डू समथिंग बैड.
जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत से उकता कर बुरे कामों में लग जाता है। और मैं आपको एक बात बताता जाऊं, मेरे उस्ताद एक बात कहते थे कि उस चीज़ का मजाक मत उड़ाओ जो अल्लाह की तरफ से हो। उस चीज़ का, वैसे तो मजाक किसी भी चीज़ का नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी खामी का मजाक मत उड़ाओ जो अल्लाह की तरफ से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई कोई महंगा है, तो उसका मजाक उड़ाना, बेशक मोटा है, मुझे जब मुझे मोटेपन पे बड़ा वो होता था, नफ़रत होती थी, लेकिन लेकिन अब नहीं होती, खैर। तो उस पे उस वक्त क्या होता है कि अल्लाह अल्लाह के बंदों को अगर आप उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए आप ताना मारो या उन्हें उन पे हंसो जो जो चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह फिर आपको माफ़ नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जो खामी अल्लाह की तरफ से है उसका मजाक कभी मत उड़ाएं, उससे नफ़रत कभी मत करें। नफ़रत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, नफ़रत से आप कोई काम नहीं कर सकते, तो नफ़रत मत कीजिए किसी से भी। इंसान है ये सोच कर मोहब्बत कीजिए, इंसान चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, चाहे इवन बैगर्स, भिखारी, भंगी, कोई भी हो, मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, बंदों के लिए नहीं। बंदे तो बंदे हैं। लेट्स सी, लेट्स कम टू द पॉइंट, हम अपने काम पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, लेट्स कम टू द टॉपिक। वी ऑलवेज टीज देम बिकॉज वी थिंक वी आर बेटर देम, हम ये सोचते हैं, हम उन्हें तंग करते हैं ये सोचते हैं क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं, बट द ट्रू इज़ अल्लाह मेड देम लाइक दिस, लेकिन हकीकत यह है अल्लाह ने उन्हें इस तरह बनाया है। सो वी शुडंट से एनीथिंग ऑन देम, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए उनके खिलाफ, अगेंस्ट देम, ओके। वी नेवर थिंक डैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वी ट्रीट देम लाइक दे आर नथिंग। वी नेवर थिंक, हम नहीं सोचते डैट के दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, कि वो भी इंसान हैं। क्यों नहीं सोचते कि वो भी इंसान है? वी ट्रीट देम लाइक वी आर दे आर नथिंग, हम ये सोचते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, और यही सोच उन्हें बुरे कामों में, उन्हें गलत कामों में, उन्हें नाचने पर, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आपकी नज़र में तो उनकी इज्जत ही नहीं है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ इंसान अच्छे से अच्छा भी बुरा बन जाता है। इफ़ एनी मदर और फादर बॉर्न, फादर यहाँ लिखा है मतलब पेरेंट्स के हिसाब से, गलत जुमला है, बट एक समझाने के लिए, क्योंकि मैं आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एम आई गोइंग टू से। इफ अ मदर बॉर्न शीमेल्स, शीमेल दे पुट दैम इन टू द बिन, अगर एक माँ ऐसे बच्चे को पैदा करती है जो खुसरा होता है, उसे उसका बाप या उसकी माँ खुद जाके उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में, यार अल्लाह की, अल्लाह ने एक नेमत दी आपको, एक नेमत दी और उसे आपने जाके फेंक दिया। सोचें इस बारे में, सिर्फ इसलिए कि उसमें एक खामी थी। आप उसे डॉक्टर भी बना सकते थे, इंजीनियर भी बना सकते थे, बहुत कुछ बना सकते थे अगर आप उस पर तवज्जो देते तो, लेकिन आपने फेंक कर उन लोगों के हाथ में दे दिया जो उसे भिखारी बना दे, डांसर बना दे। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, दे नेवर थिंक टू मेक देम अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ETC। वो कभी नहीं सोचते, किसी ने आज तक नहीं सोचा कि इन लोगों पर मेहनत की जाए, इन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या मौलवी बनाया जाए, तो ये सबसे बेस्ट बनेंगे, क्योंकि जिसमें कोई खामी हो ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा, जिसमें कोई कमी हो ना, कोई कोई एक कमी, वो शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपनी बहुत ज़्यादा स्किल उसमें होती है,
क्योंकि अल्लाह अगर उसमें एक खामी देता है तो 100 उसमें अच्छाइयाँ देता है, याद रखना। तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि आप उसे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, इवन मौलवी बना दें बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। गॉड डैम रेपुटेशन, बिकॉज जस्ट रेपुटेशन, सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी गुडविल के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शोहरत के लिए आपने ऐसा नहीं करा और ना करेंगे। मेरे कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत चाहिए। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं आप लोग। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरा रब क्या चाहता है, मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है, ये नहीं सोचेंगे। बस ये सोचेंगे मेरी इज्जत, मुझे लोग देखते हैं, मेरे पे लोग हंसेंगे, बस यही सोच रह जाती है आप लोगों की। जिस सिर्फ इज्जत के लिए इंसान उसे डस्टबिन में फेंक देता है, मे बी दे फील दैट पीपल विल लाफ एट दैम, बट इज़ इट गुड? मे बी शायद इसलिए वो इसको ऐसे बच्चों को फेंक दिया जाता है या निकाल दिया जाता है घर से, कि शायद लोग उन पे हंसेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, बट इज़ इट गुड? क्या ये सही है? लेट्स सी, मूव ऑन। व्हेन दे हैव नो होम, नो फूड, नो वन वांट्स टू टॉक टू देम, सो ऑब्वियसली दे गो इन द रॉन्ग वे। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सोचे सोचे सोचे, आपको खाना ना मिले, आपको घर ना मिले, आपसे कोई बात करना पसंद ना करे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज़ योर रिएक्शन इफ़ यू हैव नो होम, नो फूड, नो वन वांट्स टू टॉक टू यू? सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऑब्वियसली गो इन द रॉन्ग वे। You don't have opportunity to get at something. You have to do bad things. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हें जीने नहीं देती, ये दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। So please stop this. When they have no home, जब उनके पास घर नहीं होता, no food, खाना नहीं होता, no one wants to talk to them, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता, just say curse on you, बस ये कहता है लानत है तुम पे। वे क्यों लानत है भाई, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, बेशक मर्द नहीं है, औरत नहीं है, पर अल्लाह का तो बंदा है। सो ऑब्वियसली दे गो इन द रॉन्ग वे, तो लाजमन वो बुरे रास्ते पे निकल जाते हैं। नाउ दे बिकम बैगर्स एंड डांसर्स, वो फिर क्या बन जाते हैं? या तो बैगर्स, भीख मांगने वाले, या डांसर, नाचने वाले। आप देखें शादियों में, जो वडेरों की शादियां होती हैं, बड़े घरों की शादियां होती हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे वहाँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादियों में अक्सर देखोगे कि खुसरो को बुलाया जाता है नचवाने के लिए बाकायदा तौर पे, कहीं तो लड़कियों को नौज़बिल्ला बुलाया जाता है। लेकिन एक बात है, वाई आर यू डूइंग दिस? चिल्ड्रन टीज दैम, बच्चे उन्हें तंग करते हैं। Nobody tell children not to do this. कोई बच्चों को ये नहीं कहता, अगर गली में खुसरा जा रहा हो तो बच्चे छेड़ते हैं, कोई कहने वाला नहीं है कि भाई नहीं करो। सब कहो हंस रहे होते हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं। यार ये तो अजीब ही बात हो गई। This even our youth are involved in bad activities with shemales. हमारी जो generation है, हमारे जो नौजवान हैं, वो भी इस गलत कामों में लगे हुए हैं शीमिल्स के साथ। कुछ लोग तो अपने आप को शीमिल्स बना लेते हैं, कुछ लोग जो शादी नहीं होती वो इन कामों में लग जाते हैं, शीमिल्स को ढूंढते हैं। यार नाउज़ुबिल्ला, यार अल्लाह के बंदे हो तुम, अल्लाह ने जिस काम से मना किया उस काम को सोचना बगैर शादी के, वो भी एक ऐसे 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 शख्स के साथ जो ना मर्द है ना औरत है। आपको पता है जिना सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे गुनाह ना कीजिए जो माफ़ी के तलबगार ना रहे, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है, इस उम्मीद से माफ़ी मांगे अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। दे हैव रिलेशनशिप विद शीमिल्स बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट मैरिंग दियर चिल्ड्रन।
देयर यूथ कह सकते थे, मगर चिल्ड्रन मैं तो मेरे लिए बच्चे हो, सारे बड़े हो, 18 साल 19 साल सब मेरे लिए बच्चे हो तुम लोग। सो यही वजह है वो क्यों लग जाते हैं बुरे कामों में, वक्त पर शादी नहीं होती या गैदरिंग ऐसी होती है, दोस्त ऐसे होते हैं तो उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाते हैं। तो हमारी जनरेशन को भी सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है और हमें क्या करना चाहिए। खैर, दे नीड मनी, दे डोंट केयर वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड, उन्हें पैसा चाहिए। अब पैसा सही काम से मिले या गलत काम से मिले वो हासिल करेंगे। दे जस्ट वॉन्ट टू ईट एंड लिव, वो बस खाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उन्हें गलत रास्ते पे बुलाएं और वो ना आए? वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो बच जाएंगे, लेकिन 90% जो शीमेल्स होते हैं वो इन कामों में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें भी खाना, उन्हें भी रहना है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? ये आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। आप लोगों ने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। आपको पता है कि एक नॉर्मल नॉर्मल मर्द अगर गलत काम करता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी शीमेल, जिसको अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने किसी ना किसी वजह से तो बनाया होगा उसे, लेकिन डांसर और भीख मांगने के लिए नहीं बनाया होगा। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। बट यू डज नॉट नो दैट अल्लाह नेवर फॉरगिव सिना, वेदर यू डू विद अ चाइल्ड, शी मेल, मेल आ फीमेल। एक बात यहाँ पर जिना के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जिना चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे शीमेल के साथ हो, चाहे मेल के साथ हो, और फीमेल के साथ जब होता है, जब आपका निकाह ना हुआ हो, तो याद रखिएगा ऐसा गुनाह बहुत गुनाह कबीरा है, और शर्म से डूब मरो कि ऐसे गुनाह के लिए आपने अल्लाह अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे, किस जबान से तुम्हारी जबान, तुम्हारे हाथ बता रहे होंगे मैंने ये गुनाह किया है। सो व्हाट विल योर रिएक्शन एट द टाइम इन फ्रंट ऑफ अल्लाह? थिंक अबाउट इट। इफ यू आर डूइंग, जस्ट स्टॉप इट, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मे बी आफ्टर मैरिड। अल्लाह कहीं ना कहीं सज़ा ज़रूर दे देता, ये बात याद रखना। आपको इस काबिल ही ना छोड़े कि आप मर्द रहो, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सी ऐसे नुकसानात हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि ये फैमिली वीडियो है, यहाँ फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे मेरे घर वाले देखते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने हैं जिससे किसी को बुरा लगे। सो एक मेरी बहन कहती हैं इस टॉपिक के बारे में, एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर मिस्टेक एट ऑल, दरअसल ये उनकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है, यानी शीमेल्स की, देयर पेरेंट्स मिस्टेक्स, ना उनके सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है, ना उनके पेरेंट्स की मिस्टेक है, इट्स ऑल मिस्टेक ऑफ अस पीपल हु कंसर्न देम टू टेक सच स्टेप व्हेन सच बेबी बॉर्न इन एनी हाउस वी टॉक अबाउट देम एंड स्टार्ट टॉन्ट। उनका कहना ये है ना हमारी गलती है, इट इज़ नॉट देयर मिस्टेक, उनकी मिस्टेक नहीं है जिन्होंने जो ऐसे पैदा हुए हैं, या उनकी मिस्टेक नहीं है जो उनके पेरेंट्स हैं, इट्स ऑल द मिस्टेक ऑफ अस, ये तमाम गलतियां हमारी हैं। पीपल हु कंसर्न देम टू टेक सच स्टेप। अब एक सोचा जाए, लोग जो हैं वो ऐसा फैसला लेते ही क्यों हैं, उनको इस तरफ रागिब कौन करता है इस मरहले, वैन सच बेबी बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है ना, इन एनी हाउस किसी भी घर में, वी टॉक अबाउट देम, हम उसके बारे में बात करते हैं, स्टार्ट टॉन्ट, हम उसे तंग करना
ताना देना शुरू करते हैं एंड पेरेंट गेट देम आउट ऑफ देयर हाउसेस फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट. व्हाट द हेल द रिस्पेक्ट हेल. खैर हम उसके बारे में बात करते हैं, उसे ताना देते हैं. अगर हमें पता चल जाए ना यार किसी के घर खुसरा हुआ है, वैसे तो कोई बताता नहीं है लेकिन अगर पता चल जाता, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ऐसे वक्त में क्या होता है बेसिकली उसकी आवाज़, उस बच्चे की आवाज़ या उसके में कोई ऐसा फॉल्ट होता है जिससे पता चल जाता है, तो हम उसे ताना देना शुरू करते हैं. शुरू में बचपन में नहीं फेंका जाता, बेसिकली इसको जवानी में थोड़ा सा जब जवान होने लगता है, जब उसके वो मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तो ये भी वजह है कि लोग उससे ताना मारते हैं, लोग तंग करते हैं. तो उस ये सरकमस्टेंसेस होते हैं, हालात होते हैं कि पीपल गेट पेरेंट्स गेट देम आउट ऑफ देयर हाउस. माँ बाप जो होते हैं वो घर से निकाल देते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट, सिर्फ इज्जत के लिए. एंड डेफिनेटली दे आल्सो हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, और यकीनन उनकी भी एक इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है. फॉर द सेक ऑफ देयर ऑनर, वो अपनी इज्जत के लिए, अपने एहतराम के लिए, दे लिव इन देयर हाउस फॉर द सेक ऑफ लाइफ. उन्हें रहना होता है ज़िंदगी में, उन्हें घर में रहना होता है ज़िंदगी जीने के लिए. सो यही वजह है कि वो निकाल देते हैं, उन्हें भी जीना है, उनकी भी मिस्टेक नहीं है. वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि लोग उसे बुरा भला कहते हैं. लेकिन यहाँ पे बहन मैं एक बात कहूँगा, अगर आपका आपकी एक उंगली ख़राब हो जाए तो आप पूरे हाथ को नहीं काटते, ये बात याद रखिएगा. ज़िंदगी में अगर ऐसा मरहला किसी के साथ भी आए तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट. उस चीज़ उस बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिस इन्वायरमेंट में आपको ऐसा मज़हबी इन्वायरमेंट दिया जाए. दो चीज़ें इंसान को बदल देती हैं, एक मज़हब, अगर अच्छा अच्छा मज़हब जैसे मज़हबी उसमें बिठाया जाए वो बदल देता है, या तो एक होता है तालीम. दो चीज़ें, लेकिन तालीम कैसे दिलाओगे? उसके उसकी उसका जो लैंग्वेज होती है उसके लोगों को फौरन पता चल जाएगा. तो इसका होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट वे टू टीच योर चिल्ड्रन. सो इट्स माय ओपिनियन, बट आगे चलते हैं. डेफिनेटली दे हैव टू डू समथिंग, तो उन्हें लाजमन कुछ करना, डेफिनेटली उनको कुछ करना होता है. सो इफ़ वी ऑल डिटरमाइन फॉर फाइटिंग देयर राइट्स, अगर हम अज़म कर लें, अगर हम अहद कर लें लड़ने का उनके हक के लिए, एंड गिव देम राइट्स, और उन्हें हक दें, किस चीज़ का हक, एंड अ गुड प्लेस इन सोसाइटी, और एक अच्छी जगह दें अपने माशरे में. क्या क्या बात की जा रही है? तीन बातें अहम की गई हैं बहन ने. डिटरमाइन फॉर फाइटिंग देयर राइट्स, अज़म किया जाए उनके हक के लिए लड़ा जाए, उनको हक दिलाया जाए, और सोसाइटी में अपने माशरे में एक अच्छी जगह दी जाए, उनको स्टेटस दिया जाए, उनको कुछ दिया जाए कि वो स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सी चीज़, देन ऑल द सच ईवल्स रिमूव ऑटोमेटिकली. तो लाजमन ये तमाम जो शैतानी काम है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे. सो दे वॉन्ट टू कम आउट ऑल दीज सिंस. तो यही बात है कि जब आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो लाजमन ये जो तमाम गुनाह हैं ये ऑटोमेटिकली इससे बाहर आ जाएंगे, इस गुनाह से वो लोग बाहर आ जाएंगे. दे वॉन्ट गेट अ जॉब, एजुकेशन एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. और उन्हें क्या चाहिए होगा? सिर्फ जॉब चाहिए होगी, एजुकेशन चाहिए होगा, और ज़िंदगी की ज़रूरत चाहिए होगी. ये दे दें तो शायद ज़िंदगियाँ बदल जाएँ. इट्स टाइम टू चेंज अवर थिंकिंग. ये वक्त है हमारी सोच बदलने का. फॉलो इस्लाम विच डज नॉट अलाउ ऑल दैट. इस्लाम को फॉलो करो, और इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अगर कोई खुसरा है या ख्वाजा सराया है तो उसे बुरा भला कह के निकाल दिया जाए. ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा नहीं था. ये हमने बना दिया सिर्फ अपनी इज्जत, अपने रेपुटेशन के वास्ते. सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट. एक गोल्डन वर्ड्स मैं आपको बताता चलूँ, इसी से रिलेटेड है
इत्तेफाक से व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे ने सेंड किया, तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं आपको सुना दूं। इफ अ मैन हैज़ 10 गुड क्वालिटीज़, ये आप उनके बारे में सोचें जो जिनमें कोई खामियां हैं, बेशक आपकी बीवी हो, आपका मियाँ हो। क्या खामियां? खामियां ये वाली नहीं, खामियां ये वाली कि जैसे उसको गुस्सा बहुत आता है आपके मियाँ को, या आपकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है। तो ये उन लोगों के नाम है जो जो ये सोच लें कि सामने वाले में एक ना एक अच्छाई ज़रूर होगी। इफ़ अ मैन हैज़ 10 गुड क्वालिटीज़, अगर एक बंदे के पास 10 अच्छी क्वालिटीज़ है, 10 अच्छी खसूसियात है, 10 ऐसी हैं जिस पे आप फिदा हो, एंड वन बैड वन, और सिर्फ एक बुरी चीज़ है उसमें, टू लुक एट द 10 एंड फॉरगेट द वन, तो उसकी 10 अच्छाइयों को देखो और एक बुराई को भूल जाओ। इसी तरह इफ अ मैन हैज 10 बैड क्वालिटीज, अगर एक बंदे के पास 10 बुरी आदतें हैं, 10 बुरी उसके नुक्स हैं, 10 नुक्स हैं उसके पास, 10 उसकी उसमें खामियां हैं, वन गुड एंड वन, सिर्फ एक ही अच्छाई है उसमें, टू लुक एट द वन एंड फॉरगेट द 10, तो उस एक अच्छाई को देखो और 10 को भूल जाओ। ये ज़िंदगी का सबसे अहम रूल है, जो आप अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी पे तो कामयाब रहेंगे। तो होप यू एंजॉय दिस लेसन, एंड प्लीज़ 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 डोंट टीज दैम, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। इफ यू वॉन्ट अल्लाह, यू वॉन्ट टू प्लेज अल्लाह, अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, सो लव ऑल ह्यूमन बींग, वेदर ही आर फीमेल आर एनीथिंग एनीवन। इवन मैं एक बात अक्सर सोचता हूँ, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ भी हो, यार बंदा तो है ना, बंदा तो है ना, इंसान तो है ना, और इंसान से मोहब्बत करना कोई मज़हब नहीं मना करता, कोई मज़हब ऐसा नहीं कहता कि इंसान से नफरत करो। तो हमारा मज़हब तो पीस है, अमन का मज़हब है, तो प्लीज़ हमारे हमारे इस्लाम जो है उस पर फॉलो करें, और किसी के कहने की बातों में आकर किसी के कहने से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, किसी को तंग करके, किसी को बुरा कह के, किसी को टॉन्ट करके दिल ना दुखाएं, चाहे उसमें लाख खामियां हो। वो बुल्ले शाह का एक शेर याद आ जाता है, वो मैं आपको पिछले लेसन में सुना चुका हूँ, तो अब नहीं सुनाऊँगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तला विस्ता, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते रहें, बिकॉज दिस लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, एंड मेक पीपल हैप्पी, डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट अदर्स, अपने बारे में मत सोचें, दूसरों के बारे में सोचें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम, इस्ता, चाओ।